पूरा तैयार बिग बॉडी मैच का। ओह माय गॉड, व्हाट इज ब्रो, 495 सीधा लगा लक्षण में गिरा पे, एक सेकंड में बंदा दो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम डी ऑफिशियल, और मैं हूं ब्लैक साउथ। तो भसड़ के बाद फिर से टेस्टिंग में हम आ चुके हैं। इस बार बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे टेस्टिंग ली जाएगी हर एक बंदे की और हर एक प्लेयर की। तो यहाँ पे मैंने टीम कोड देख के बुलाया है बिग वर्ड को, तो चलिए जानते हैं कैसा है मेरे ग्रुप में। हेलो ब्रो। हेलो हेलो ब्रो, कैसे ब्रो? बिग वर्ड ब्रो, हाउ आर यू ब्रो? कितने रुपए ले लिए गिल्डवाने के लिए तो बता दो पहले। कुछ ऐसा झगड़ा वगड़ा क्या क्या हुआ? पैसे वैसे तो नहीं लिए ना गिल्डवाने के लिए? बता दो, किसी ने कुछ जुगाड़ तो नहीं लगाई बीच में? तो यहाँ तक कैसे पहुंचे हुए बताओ थोड़ा सा हमको। मतलब डी स्टड को मैसेज किया था। अच्छा, फॉर्म दिया, फॉर्म फिल किया। अच्छा, उन्होंने पूरा प्रॉपर वेरीफाई करके तब आपको यहाँ पे भेजा है ना? तब जाके मतलब लाइसेंस, लाइसेंस, आधार कार्ड। अच्छा चलो, हाँ वो इसलिए कि कोई बंदा अगर फ्रॉड वगैरह करे तो उसको डिवोर्स लिया जाए जल्दी। सामने दो बंदे होंगे, क्या संभाल पाओगे 1v2? हाँ देखेंगे ना, ट्राई ट्राई। चलो आपके लिए मैं कस्टम बनवाता हूँ, ठीक है? आपकी मैं आईडी देख लेता हूँ कैसी है एक बार। भाई साहब लेवल तो आपने कैडा कर रखा है, 80-90 लेवल। कैसे कर लेते हो? चलो मैं आपके लिए रूम बनवाता हूँ, ठीक है ब्रो? तो यहाँ पे बात करें तो हमारे बिग वर्ड आ चुके हैं कस्टम के अंदर, और साथ के साथ डी ब्लैक होने वाले इनके सामने, और साथ के साथ इस पर आने वाले जो कि डेजर्ट ईगल का कड़ा प्रहार करने वाले इस मुकाबले के अंदर। तो देखेंगे जरूर 1v2 की फाइट होगी कैसी, क्या बिग वर्ड यहाँ पे जीत के जाने वाले हैं, टीम डी में एंट्री लेने वाले हैं, या फिर इनको आज हार का सामना करते हुए निराश होकर वापिस जाना पड़ेगा। तो देखेंगे जरूर इस मुकाबले में क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए बुलाते हैं इस बार को, फिर करते हैं मैच को स्टार्ट। तो बिग वर्ड पूरा तैयार है इस मुकाबले के अंदर, सामने है इनके दो बंदे काला और साथ ही साथ इस वर्ष स्वयं भगवान। तो फिर 1v2 की फाइट होगी जहां काले भगवान के साथ बिग वर्ड की क्या है बड़ा पंच यहां पे दबा पाएगा इन दोनों बंदों के अपने पंजों के अंदर। यहां पे नहीं देखने वाली बात होगी, 80-90 लेवल है भाई इस बंदे का, अब पास्ट गिल्ड बॉस है, तो यहां पे नाम धाम काफी तगड़ा है इस बंदे का, और गेम प्ले देखेंगे कितना है क्योंकि डेजर्ट ईगल से दमखम दिखाएंगे। सामने होंगे ब्लैक काले और साथ ही साथ ईश्वर भगवान। था पे ईश्वर थोड़े से रुके हुए जरूर है, बिग वर्ड मौका है इनके पास अपने पंछी को लहराने का इन दोनों बंदों के सामने 1v2 फाइट में। तो देखेंगे जरूर इस मैच के अंदर क्या कुछ होने वाला है, पूरा तैयार बिग वर्ड इस मैच का। ओह माय गॉड, व्हाट इज ब्रो, 495 सीधा लगा लक्षण में गिरा पे, एक सेकंड में बंदा दो नो फॉल करते हैं। तो यहाँ पर बात करें सामने जब ड्रैग मारते हैं थोड़ी हार्ड हो जाते हैं क्योंकि हेड प्रॉपर वे में नहीं आता है, तो उसी चीज का फायदा उठाया बिग वर्ड और सीधा रेड नंबर खेलेंगे। तो यहाँ पे फाइट 1v1 की होगी, बिग वर्ड इस वर्ग की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार यहाँ पे थोड़ी सी मुसीबत में हिल कर रहे हैं अपना आपको पूरा पूरा, और बिग वर्ड भी पूरे मूड में दिख रहे हैं। फाइट 1v1 किया तो देखेंगे जरूर इस मैच के अंदर क्या कुछ होगा। बिग वर्ड पूरा तैयार है पे पूरा 80 लेवल झोंकने के लिए, और साथ के साथ अपने पंख लहराने के लिए इन बंदों के ऊपर। सामने से बंदा गया पीछे की तरफ, काफी मूवमेंट है। बात करें तो इस बार के पास 1v1 की फाइट, मैच काफी जोरदार जी। यहाँ पे बात करते हैं फाइट है 1v1 की, टीम डी के अंदर फिर से फाइट हो चुकी है आने की। तो देखेंगे जो क्या बिग वर्ड के अंदर इतना दम है कि 1v2 यहाँ पे डेजर्ट ईगल पर भरोसा इतना कि सामने वाले बंदे को यूएमपी से प्रहार नहीं कर रहे, यानी डेजर्ट ईगल पे यकीन बहुत ज्यादा है। जी हाँ, यकीन के साथ हमको भरोसा भी दिलाएंगे और मैच भी यहीं पे खत्म करेंगे और 1-0 से लीड मारेंगे बिग वर्ड। जी हाँ, नाम जैसा है काम वैसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं इस मुकाबले के अंदर राउंड सैंटोसा का। देखेंगे जरूर क्या कमबैक होते हुए नजर आएगा ब्लैक और इस वर्ग की तरफ से, क्योंकि दोनों बंदे यहाँ पे पूरे तैयार हैं यहाँ पे बिग वर्ड के हमले के लिए। क्या बिग वर्ड इस गेम के अंदर कुछ स्ट्रेटजी यहाँ पर कुछ बदलाव लाएंगे या फिर सेम डेजर्ट ईगल गेम प्ले दिखाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस बार इनके पास दोनों गन है, दो शॉर्ट और यूएमपी दोनों पर ज्यादा प्रेफर करते हैं। जी हाँ, डेजर्ट ईगल भी उन्होंने बताई थी फेवरेट गनों में से एक है। तो तैयार फिर से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, ग्लू वॉल लगा के सामने है दो बंदे ब्लैक और इस वर्ग। जी हाँ, काली परछाई छोड़ने के लिए पूरा तैयार डी ब्लैक इस मुकाबले के अंदर। देखेंगे जरूर कैसा गेम प्ले करने वाले इस मुकाबले में। फाइट जब 1v2 की होगी, जी हाँ ये मैच है बेहद ही कड़ा और काफी खतरनाक। क्या बिग वर्ड पूरी तैयारी में, जी हाँ बिग वर्ड भी
आप देखने वाली बात हुई बिग वर्ड पूरे तैयार डेजर्ट ईगल पे ज्यादा भरोसा दिखा रहे यूएमपी हाथों में लिए इस बार ब्लैक इनके सामने होने वाले ब्लैक देखें क्या कुछ करेंगे इस बार पीछे से आ गए डेजर्ट ईगल का मौका बनेगा नहीं मौका बनाया था पर मौके को बना नहीं पाए अच्छे से जी हार्ड शॉट देकर पर ब्लैक को जरूर नॉक ले लेंगे बिग वर्ड इन मूड है और क्या ही गेम प्ले कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल गेम प्ले 1v5 क्या ही संभाल रहे हैं जी यहां पे डी इस बार क्लियर गेम 1v1 की फाइट है तो बिग वर्ड और इस बार में देखेंगे क्या कुछ होने वाला है इस गेम के अंदर 1v2 1v1 अब फिलहाल 1v1 की फाइट इधर काफी बच रहा है पे पर बिग वर्ड के हमले से कैसे बचेंगे जी हां काफी भारी भरकम है पे कैड़ा प्रहार करा है टीम डी के बंदूक पर जी हां जैसा नाम वैसे ही काम कर रहा है बंदा अंदर घुस चुका है और यहां पे शॉट नहीं दे पाएंगे बचेंगे फाइट 1v2 की देखने वाली बात इस मैच के अंदर क्या कुछ होने वाला है 1v2 की फाइट काफी अच्छी चल रही है इस मुकाबले के अंदर पूरी ट्राई कर रहे हैं बिग वर्ड ये राउंड खींचने की अपनी तरफ पर आप इस बार के पास पूरा दमखम दिख रहा है पे 1v1 ओ माय गॉड व्हाट अ हेड लिटरली इनसेन हेड था ये तो बिल्कुल यहां पे क्या ही हेड मारा बंदे को बिल्कुल हिला दिया बंदा बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया स्टेबिलिटी मिलेगी अगर एक सेकंड की तो बंदा कोई भी नहीं छोड़ता हेडशॉट मारने से आज का टाइम यही हो गया क्योंकि ड्रैग जब पड़ते हैं डेजर्ट ईगल से तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए होती है कुछ पल्स की पर चाहिए होती है और उसी का फायदा उठाया डिस वन और मैच 1v1 जी हाँ बिग वर्ड हल्के में लेंगे इस बार को अब नहीं लेंगे बिल्कुल भी क्योंकि मैच है सिर्फ 6 राउंड का और देखेंगे इस मैच के अंदर भी क्या कुछ होना बाकी है तीसरा राउंड है देखेंगे जरूर मार्च लैक्टिस के राउंड में क्या कुछ होने वाला है जी हाँ बिग वर्ड पूरे तैयार बड़ा पंची क्या इनको जाल में पछाया फसाया जाएगा या नहीं ब्लैक और इस वर्ग की तरफ से देखेंगे जरूर पूरे तैयार है बिग वर्ड भी इस मैच के अंदर तो बिग वर्ड भैया बंदा आ गया डेजर्ट ईगल का पट्टे दे दिए और हमें यहां पे बचाए बंदा है किधर बंदा नचाए जा रहा है बंदा नचाए जानता है अपना ब्लैक के साथ अपना पुश सीधा रस जंप बॉडी और पांच की हेल्प सर्वाइव लिटरली कंट्रोल में लेना चाहेंगे इतने बंदे में हील करें इनके पास बैच नहीं होने वाली है तो 90+ का डैमेज आने वाले तो यहाँ पे मुश्किल से 3 गोली में बंदा खत्म है फिर 1 गोली एड मार दो बंदा खत्म है तो एक बार देखेंगे कितना टाइम लेंगे यहाँ पे हील कर लिया अपने आपको 200 पूरी हेल्थ है और 13 का डैमेज दिया इस बार पूरा जिम्मेदारी लेके खेलेंगे बिग वर्ड क्योंकि पता है पिछला राउंड डेजर्ट ईगल से उन्होंने दिया था वही इनकी गलती हो गई थी बंदा सामने व्हाट ये फिर से क्या देखने में नजर आ रहा है 100 टीम में डीस पर आग नहीं आतंक मचा रहे हैं क्या ही हेड पे हेड क्या ही हेड हेड गेम प्ले चल रहा है बात करें डेजर्ट ईगल की तो चलाना आसान भी होता है शॉर्ट रेंज में जब बंदे की हाथ में होती है तो एक नर्वसनेस अलग ही दिख जाती है सामने वाले बंदा शॉर्ट रेंज लेके आ रहे हैं और आपके पास सिर्फ डेजर्ट ईगल है तो उस चीज का जो प्रेशर हैंडल होता है काफी बखूबी अच्छे तरीके से कर रहे हैं डिस वन देखेंगे चौथा राउंड पुचिनो के अंदर क्या कुछ कहलाता है राउंड है चौथा फिर से तैयार है यहाँ पे 90 लेवल प्लेयर 80-90 लेवल है मैंने ऐसा ही कुछ देखा था ध्यान नहीं आ रहा है पर 80-90 लेवल है अरे बाप रे क्या ही हेड मार रहे हो आप ओह माय गॉड कंप्लीट भी कर दिया तो आपको भी हेड मार के कहां से आए हो आप बिग वर्ड और क्या ही गेम प्ले दिखा रहे हो नेक्स्ट लेवल गेम प्ले और जैसा लेवल है वैसा काम भी कर रहे हैं बंदा हमने अक्सर देखा है हाई लेवल होता है बंदों का पर उस टाइप का गेम प्ले नहीं होता है इनका हाई लेवल भी है हाई गेम नहीं है पर डेजर्ट ईगल के सामने नहीं टिक पा रहे क्योंकि बात करें यहाँ पे हल्के में ले रहे हैं या फिर थोड़ा ज्यादा ओपन चले जा रहे हैं चक्कर का फायदा उठा रहे हैं डीस पर लगातार 3 राउंड में हेडशॉट दे चुके हैं डीस पर और बिग वर्ड भरी ही मुसीबत में भाई और तैयार फिर से डेजर्ट ईगल के इस बार साथ हैं यहाँ पिछले 2-3 राउंडों में डेजर्ट ईगल का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट रेंज वन ऑन वन में फाइट काफी नियंत्रण में खेल रहे हैं काफी अच्छे तरीके से पर जैसे ही डेजर्ट ईगल की बारी आती है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हैं उधर वो चकमा बंदा सीधा हेड दे दे रहा है और इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं टीम डी के दोनों ही बंदे तैयार इस बार डेजर्ट ईगल से क्लूज चेंज नहीं करना चाहते दूर से फाइट लेना चाहते इस मुकाबले के अंदर तो देखेंगे जरूर जनाब इस मैच में अभी क्या कुछ होने वाला है पूरे तैयार है टीम डी के दोनों बंदे की ओह माय गॉड व्हाट फिर से हेड निकलेंगे ब्लैक को ढूंढेंगे ब्लैक कहां है काली को पकड़ा जाएगा जी नहीं अब तक बचेंगे काली और मुसीबत में सिर्फ सौ की हल्चू पहले जिसको एक शॉट कनेक्ट करेगा वो जाएगा 50 का हेड
बंदा हेड ही मार रहा है, यानी ड्रैग लेवल इतना ऊपर खींच दे रहा है कि सिर्फ हेड पे ही बातें चल रही है। अगर ये बंदा सीधा फायर करेगा तो बॉडी आएगी, पर ये बंदा जितना ज्यादा ड्रैग खींचेगा उससे क्या होगा, सिर्फ आपको हेड ही मिलेगा, चाहे वो एक ही गोली आए लगे और आपका बॉडी शॉट के साथ वापसी करेंगे। बिग वर्ड फाइनली तीन राउंड के बाद इतनी बड़ी वापसी के इस मैच को जीत में तब्दील कर सकते हैं। बिग वर्ड देखेंगे जरूर गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जो भी चैनल पे नहीं आ रहे फटाक से वीडियो को लाइक के बटन को प्रेस कर दो। इस वीडियो को लाइक के 25,000 होने वाला है, सपोर्ट की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि जल्दी जल्दी 5 लाख करते हैं। क्या कर रहे हो फैमिली, इतना टाइम नहीं है हमारे पास 5 लाख का, जल्दी जल्दी फटाफट 5 लाख करते हैं और चलते हैं फिर अगले नेक्स्ट टारगेट पे। फिलहाल इस मैच के अंदर देखेंगे क्या बिग वर्ड इस टेस्टिंग में सफल हो पाएंगे या फिर असफल होकर इनको घर की वापसी मिलेगी। पर गेम अब तक कैसा लग रहा है आपको, कमेंट डाउन करके जरूर बताएं क्या आपको इनका गेम मजेदार लग रहा है या फिर नहीं। फ्लोर राउंड फिर से छठा है, मिल गए राउंड तैयार, टैच एटीगल प्लस यूएमपी एंड M1887 के साथ। जी हाँ, यहाँ पे 1-on-2 फाइट है, लॉन्ग रेंज में थोड़ा सा लेना है एक बंदे को, डेजर्ट से पहले घराने की चाह, फिर 1-on-1 निजी हो जाएगा क्योंकि इस बार यहाँ पे सीधा पुश इन करते हुए नजर आ रहे हैं। डेजर्ट ईगल से पर इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि हमारे बिग वर्ड भैया पूरे 2 शॉट के साथ रेडी है कि भाई तू निकल तो सही, एक बार चेहरा दिखा दे, उसी चक्कर में इनका मौका यहाँ पे बना लेंगे। और ब्लैक यहाँ पे देखेंगे पीछे से घूम कर रहे हैं, बिग वर्ड समझ जाओ सर आप आतंक आ रहे हैं, पर जी नहीं, यहाँ पे सामना बड़े ही अच्छे तरीके से किया जाएगा दोनों ही बंदों का। फुट स्टेप जो सुने जा रहे हैं इनकी तरफ से काफी नेक्स्ट लेवल तरीके से, जी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं गेम पर, हर एक चीज को सोच समझ के खेल रहे हैं, गेम की हर एक चीज को जो महसूस करनी होती है, गेम साउंड से लेके हेडशॉट से लेके मूवमेंट से लेके बंदे की कैपेसिटी और बंदे का गेम प्ले, सामने वाले का कि किस हद तक वो गेम प्ले कर सकता है उस हिसाब से गेम प्ले। वो अनदर हेड ब्रो, क्या ही खेल रहे यार आप, 3-3 मैच ला दिए हैं। बिग वर्ड हैशटैग बिग वर्ड इन द कमेंट सेक्शन गाइस, क्या ही खेल रहा है लड़का। राउंड है 7वां, जी हां तैयार है फिर से कटोल स्टीवा का ये राउंड, और तैयार हमारे बिग वर्ड भी और सामने दोनों बंदे भी। यहां पर मैं गेम को बिल्कुल आराम से देखूंगा, मैंने क्या कैमरे वैमरे से लाती है तब तोड़ फोड़ मचा दी क्योंकि बंदे का गेम इतना ज्यादा प्रभावित है कि लिटरली इंप्रेशन छोड़ रहा है बंदा हमारे ऊपर, जिस हिसाब से गेम प्ले कर रहा है नेक्स्ट लेवल गेम प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। बिग वर्ड लग रहा है टीम के अंदर, और पास रहा है, ये नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए इस गेम के अंदर। जब भी डी स्वर के सामने आ रहे हैं बिग वर्ड तो टिक ही नहीं पा रहे, डी स्वर जिस हिसाब से हेड मार रहे हैं नेक्स्ट लेवल, 4 बार हेड मार चुके हैं डी स्वर बिग बर्ड को इस मुकाबले के अंदर, पर बिग वर्ड जो खेल रहे हैं नेक्स्ट लेवल, तारीफ के काबिल है इनका गेम प्ले, जी हाँ कह सकते हैं। फिलहाल देखेंगे इस मैच के अंदर क्या कुछ होने वाला है, क्या बिग वर्ड को इस गेम के बाद तुरंत ही इनवाइट मिलेगा या फिर टाइम लगेगा, देखेंगे जरूर। कम से कम 2 राउंड और जीत लिया तो अभी इनको इनवाइट दे दूंगा मैं क्योंकि जिस हिसाब से इनका गेम प्ले चल रहा है ओपी। फिलहाल देखेंगे 4-3 से अभी इतने ज्यादा पिछड़े नहीं है, कम बैक कर सकते हैं काफी अच्छे तरीके से इस मुकाबले के अंदर। 8वां राउंड है, बिग वर्ड भी पूरा तैयार है इस मैच के अंदर और यहाँ पर डेजर्ट ईगल का प्रभाव काफी तगड़ा छोड़ रहे हैं बिग वर्ड, शॉट इज डेजर्ट ईगल, दोनों गन काफी अच्छी चला रहे हैं, दोनों गन इनके कंट्रोल में है और हर एक चीज को सोच समझ के चला रहे हैं। अब फाइट 1-on-2 की, फिलहाल देखेंगे जरूर इस मैच के अंदर क्या कुछ होने वाला है, और यहाँ पर दोनों साइड से खेल लिया गया ब्लैक और फर्स्ट ब्लड, फिर से हेड, 5 की 5 बार हेड 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 एंड हेड शॉट, हर बार डी स्वर की तरफ से हेड शॉट्स दिखे, बिग वर्ड काफी मुसीबत में, क्या बिग वर्ड इस गेम के अंदर कमबैक करते हुए नजर आएंगे, देखेंगे जरूर क्या कुछ होने वाला है इस मैच के अंदर। 10वां राउंड है, क्लॉक टावर का राउंड है, बिग वर्ड मियां पूरे तैयार हैं, सामने दोनों बंदे भी पूरे तैयार हैं, ब्लैक भैया देखेंगे क्या कुछ करने वाले हैं, काले एक काले काले और साथ ही साथ इस बार भगवान है तो और तेरी पर बिग वर्ड बोले वैंकर कैसे हमारे पंखों से कैसे बचोगे, पंखों से लहरा देंगे पूरा पूरा बिग वर्ड यहां पे और एक को 1 टैप हेड के साथ ले जाएंगे। बिग वर्ड क्या ही गेम प्ले कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल गेम प्ले दिख रहा है इनकी तरफ से, तालियां तो बननी चाहिए इनके लिए जैसा ही गेम प्ले कर रहे हैं यार, लिटरली काफी ओपी गेम प्ले कर रहे हैं बिग वर्ड, फाइट 1-on-1 पर ला दिए हैं, क्या 1v1 की फाइट काफी अच्छी होने वाली है इस गेम के अंदर, देखेंगे जरूर क्या कुछ होने वाला है इस गेम के अंदर। 1-on-1 बिग वर्ड तैयार है और ब्लैक भी तैयार है, काले 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 हेडशॉट दिखेंगे पर हम हेड सॉकी सॉकी हेड बची है और जब दूसरे ब्लैक चाहेंगे पुश इन करना इनके ऊपर क्योंकि हेल्थ लो है, एक शॉट में बंदा नॉक होगा, लेफ्ट आने वाला है इनका बंदा, जी नहीं यहाँ पर पुश करने में थोड़ा लेट हो गया ब्लैक, होल्ड कर रहे हैं अपना आपको टाइम ले रहे हैं क्योंकि पता है पर राउंड नहीं देना है, पर बिग वर्ड भी यहाँ पर हेडशॉट मारना चाह रहे हैं तो देखेंगे जरूर क्या कुछ करने वाले पता सामने। ओह माय गॉड, 1 मोर हेड, क्या ही खेल रहा है, हैशटैग बिग वर्ड इन द कमेंट सेक्शन गाइस, इसके लिए तो स्पेस बनती है टीम में, क्या लगता है आप सभी को कमेंट करके जरूर से बताएं कैसा लग रहा है आपको इनका गेम प्ले। तो यहाँ पे बात करें तो लास्ट राउंड है यहाँ पे, देखेंगे जरूर क्या कुछ होने वाले, मैच पॉइंट पे आ चुके अपने बंदे, मैच पॉइंट का फायदा कैसा उठा पाएंगे देखेंगे जरूर क्या कुछ होने वाला है इस गेम के अंदर। जी हाँ, थोड़ी सी लाइटिंग शाइटिंग डाल दी जाए बिग वर्ड के ऊपर क्योंकि बंदा जिस हिसाब से हिल रहा है मेन फोकस तो इन पर होना ही चाहिए।
अदरवाइज मजा नहीं आएगा जैसे आपने दोनों गेम प्ले दिखाया। फिलहाल 11 किल कर चुके हैं और मैच पॉइंट पे है टीम डी के दोनों बंदे और ये भी मैच पॉइंट पे आ सकते हैं इस राउंड के अंदर। तो देखेंगे जरूर क्या कुछ होने वाले इस गेम के अंदर। फाइट वन ऑन की बंदे दोनों साथ चिपक चिपक के खेल रहे हैं दूसरे के, तू मेरे आगे मैं तेरे पीछे पीछे। पूरे तैयार इस बार होल्ड करके एक बंदे को गिराना चाहते हैं। बिग बर्ड की पोजीशन पूरी एक्सपोज हो चुकी है और बंदा सामने दो शॉट लगे ग्लू वॉल से। जब बंदा ज्यादा चिपक जाता है उससे क्या होता है बंदे की दोनों गोलियां रिकॉल हो जाती है, दोनों ग्लू वॉल पे लग जाती है। इसी चीज का फायदा उठाना है अगर आप दो शॉट चला रहे तो बंदा ग्लू वॉल से थोड़ा सा दूर हो डिस्टेंस बना के रखे, उससे क्या होता है कि आपकी दोनों गोली बेटर कनेक्ट हो पाती है। लाइक दिस क्या ये हेड मारा है बंदे ने, अदरवाइज आपकी गोलियां रिकॉल ले जाती है और इसी चीज का नुकसान मिला बिग बर्ड को क्योंकि चार गोलियां चलाए चार में से एक गोली कनेक्ट हुई और उस चीज का नुकसान देखे मुझे आया। अच्छी गाइस कैसा लगा आपको बिग बर्ड का गेम प्ले कमेंट डाउन करके जरूर से बताएं और फ्यूचर आपको और कैसी कैसी टेस्टिंग देखनी है अभी कमेंट करके बताएं। क्या 2v3 लाइव आया ना कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि दो दो बंदे भी होते हैं बहुत से, तो वो भी कमेंट डाउन करके जरूर बताएं। और इस मैच के अंदर इस बार MVP रहे और साथ ही साथ बिग बर्ड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल।